और आपको जूम करके हम दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं इसका रंग ढंग दोस्तों देखकर ही पता चल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे रमवापुर से मिला हुआ है जो कि भारीनाथ में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों कोई बता रहे हैं कि अजगर सांप देखा गया है। अब दोस्तों वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और दोस्तों मौके पर हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं घनश्याम बाबा भी पहुँच चुके हैं जो साथ में हमारे साथ में भाई साहब चल रहे हैं आगे। इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया था, कोई बहुत बड़ा जहरीला सांप देखा गया है अजगर बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अजगर वो नहीं दिख रहा है। फ़ोटो भी हमारे पास भेजे थे, चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। अच्छा आमदनी अनूप पकड़े वाली है। कहाँ भैया? अनूप पकड़ सिखा दे तो मरते। चलो बताओ किधर से जाना है। थोड़ा आप साइड ले लीजिए। आपका नंबर नेट से मिला है, आप इस पे रखिए। हाँ वहाँ पे खड़े होंगे, हम तो वहाँ पे खड़े थे, लोग बताए। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ऐसे आओ। और दोस्तों ये इंडियन रसल स्वाइपर है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये। दोस्तों काफ़ी जहरीला सांप है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठा हुआ है। चलिए इसको पकड़िए, जाइए अंदर। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं घनश्याम बाबा जी मौके पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं और अभी इसको रेस्क्यू करेंगे और लेकर चलेंगे बाहर। चलिए इसको पकड़िए। उसमें फंस गया है आराम से। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बड़े सुंदर ढंग से ये सांप पकड़ा जा रहा है। करीब करीब 5 से 6 किलो होगा। अरे दोस्तों आप सब देखे हैं कैसा अटैक किया है। और कैसा दोस्तों अटैक कर रहा है ये आप देखकर खुद समझ सकते हैं। ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा खतरनाक सांप है। संभाल के थोड़ा बाबा पकड़े हुए हैं जहरीला और डेंजर सांप। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसको पकड़ लिया गया है। और दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा खतरनाक सांप है ये इंडियन रसल वाइपर। ये दोस्तों पहाड़ी राज्य में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं घनश्याम बाबा इसको लेकर चल रहे हैं बाहर। ये जब भी काटता है तो लंबी छलांग लेकर के काटता है। कोशिश ना करें सभी लोग। और दोस्तों ये सांप काफ़ी जहरीला होता है, इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब ये किसी को काटता है तो 2 से 3 फीट के दोस्तों जंप मार के काट सकता है ये सांप। फिलहाल अभी ठंडी है, थोड़ा ये नॉर्मल है। अगर गर्मी रहता दोस्तों तो वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अटैक बहुत तेज करता है ये। और ये आप देख सकते हैं काफी दोस्तों बड़ा है ये। बोलो
अब दोस्तों ये सीटी मार रहा है, थोड़ा उधर करो, चलाओ चलाओ थोड़ा। देखिए ये सांप से एक ही डर था ना, मान लो वो वहाँ पर था, कल का अगर घर में आ जाता नहीं, किसी भैंस या गोरु को काट लेता तो फिर बहुत बड़ी हादसा होने का डर था, क्योंकि इसके काटने पर कोई बचाव बचा नहीं पाएगा। इतना जहरीला सांप है ये। तो ठीक है दोस्तों, इसको बिना समय गवाए आप अनपैक करना चाहेंगे, और ये आप देख सकते हैं घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं दोस्तों, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं दोस्तों कि इन्होंने मारा नहीं बचाया। तो दोस्तों इसको अभी हम झोरी के अंदर पैक कर देते हैं, और पैक करके दोस्तों कहीं दूर इसको अनुकूलित वातावरण में छोड़ने का काम करेंगे। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट में बताएं दोस्तों कैसा लगा इस बेजुबान को बचा करके। कहीं ना कहीं दोस्तों सांप को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पर्यावरण मित्र हैं, दिन पर दिन दोस्तों सांप खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए इनको मारना उचित नहीं है, बचाना चाहिए। और आपको जूम करके हम दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं इसका रंग ढंग दोस्तों, देख कर ही पता चल जाता है कि ये काफ़ी डेंजर सांप है। चलो पैक करो अब इसको झोरी के अंदर, पैक करो। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं झोरी के अंदर ये जा चुका है, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी भी जीव जंतुओं को बचाते हुए और फिर किसी जीव जंतुओं को छोड़ते हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। और ये दोस्तों ग्राम सभा है। अच्छा नाम क्या भैया गांव का? रमवापुर पांडे, रमवापुर पांडे बाबा भारीनाथ के स्थान से थोड़ा ही दूर पड़ता है ये, निकट। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।